कॉलेज में एट सम पॉइंट और द अदर टी शर्ट स्टार्टअप का आइडिया तो हम सबको आया है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट लगता है। इसे शुरू करना तो आसान है, लेकिन स्केल करना काफी मुश्किल। 2025 तक ग्लोबल टी शर्ट मार्केट $10 बिलियन का होने वाला है, तो अपैरल बिजनेस स्टार्ट करने का इससे बेटर टाइम तो हो ही नहीं सकता। हर साल वर्ल्ड वाइड 2 बिलियन से ज्यादा टी शर्ट बेची जाती है। इस भीड़ में हाउ डू यू थिंक न्यू एज ब्रांड्स लाइक बेवकूफ और सोल स्टोर्स आर मेकिंग इट बिग? लेट्स फाइंड आउट। देखो, इंडिया में ऑनलाइन फैशन रिटेल मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। यू विल बी शॉक्ड टू नो ये मार्केट 2022 में 28.94 बिलियन पर था, एंड 2027 तक इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कैगर ऑफ 18.83%। न्यू एज ब्रांड्स जैसे कि द सोल स्टोर और बेवकूफ ने अपने ऑनलाइन बिजनेसेस को 2019 से 33% एक्सपैंड किया है और 2.4 बिलियन तक उनका एनुअल रेट अराउंड 35% रहा है, जो FY28 तक $10 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो आइए देखते हैं इस सेक्टर के दो गेम चेंजर्स को। पहले बेवकूफ, जो 2012 में प्रभकिरण सिंह और सिद्धार्थ मनोट ने शुरू किया, ये आपके यूजुअल फैशन हब्स नहीं बल्कि न्यू एज फैशनेबल डिजाइन के बारे में है। वाइब्रेंट स्टाइल्स और कंटीजियस एनर्जी के साथ वो सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते पर उन्हें सेट भी करते हैं। फिर आता है द सोल स्टोर, जो जून 2013 में हर्षलाल, वेदांग पटेल, आदित्य शर्मा और रोहिन समतने ने लॉन्च किया। 4 मिलियन से ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स के साथ ये हर फैन के लिए क्वर्की पॉप कल्चर मर्चेंडाइज का गो टू स्पॉट है। ये इंडिया का सबसे बड़ा फैन मर्चेंडाइज हब है। दे हैव मर्च रेंजिंग फ्रॉम कार्टून, टीवी शोज, ब्लॉकबस्टर मूवीज एंड इवन IPL टीम्स। लेकिन एक टी शर्ट ब्रांड रेवेन्यू कमाता कैसे है? बेवकूफ मुंबई में एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C पावर हाउस है। ये 360 डिग्री बिजनेस अप्रोच फॉलो करता है और प्रोडक्शन से लेकर मर्चेंडाइजिंग तक सब कुछ इन हाउस मैनेज करता है। व्हाट सेट्स देम अपार्ट इसके ये अपने ही ब्रांड को एक्सक्लूसिवली बेचता है, अनलाइक टिपिकल e-commerce वेबसाइट्स। देयर रेवेन्यू स्ट्रीम्स इंक्लूड प्रोडक्ट सेल्स, जैसे कि वाइड रेंज ऑफ गुड्स ऑफ क्लोथिंग, एक्सेसरीज, फुटवेयर इज देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। They also have subscription offerings, जिससे वो additional revenue earn करते हैं। Along with this, they earn commissions from brands, जिनके साथ वो joint venture marketing करते हैं। And last but not the least, advertising और campaign से भी थोड़ा बहुत revenue generate हो जाता है। Owned by Aditya Birla Group's TMRW, Bewakoof का net loss decreased 58% in FY23 due to increased other incomes. Operating revenue dropped by 8% to 1047 crore, with total expenditure remaining nearly flat at ₹241 crore. वही सोल स्टोर के लिए रेवेन्यू का 70% उनके ऐप या वेबसाइट से आता है, 15% ऑफलाइन स्टोर से आता है और 15% ऑनलाइन marketplaces से। रेवेन्यू का 60% टॉप 10 सिटी के बाहर से आता है और नए ऑफलाइन स्टोर्स टियर 2, टियर 3 सिटीज में उनकी प्रेजेंस को डीपन करता है। सोल स्टोर विद एन एनुअलाइज्ड रेवेन्यू टॉपिंग ₹4,500 करोड़ हैज अ GMV ऑफ ₹85 करोड़ सो फार। 2023 में उन्होंने एक और बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। दे सिक्योर्ड फंडिंग ऑफ ₹135 करोड़ लेड बाय एक्सपोनेंशियल कैपिटल। हर जीत की अपनी एक सीक्रेट रेसिपी होती है और एक डिस्टिंक्ट स्ट्रेटजी होती है जो उसे अलग बनाती है। बेवकूफ की सक्सेस जर्नी इज नो एक्सेप्शन। ये है उनके विनिंग फॉर्मूला का ब्रेकडाउन। बेवकूफ के हाई क्वालिटी गुड्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पे ऑफर करने का कमिटमेंट उनके सक्सेस के लिए पिविटल रहा है। इस अफोर्डेबिलिटी और स्टाइल के ब्लेंड ने उनके ऑडियंस को अट्रैक्ट किया है। नंबर 2, कलर ऑफ द मंथ। हर महीने एक नए कलर को डिस्काउंटेड रेट पे इंट्रोड्यूस करना बेवकूफ का एक तरीका था अपने कस्टमर्स के लाइफ में वाइब्रेंसी ऐड करने का, एंड दिस बिकेम अ हिट। नंबर 3, डिजाइन ऑफ द डे। बेवकूफ ने हर रोज 3 PM पे एक नए डिजाइन इंट्रोड्यूस करने का खुद का एक डिफरेंट स्टाइल क्रिएट किया है, which is a very new thing to attract the audience. BU section. With BU, Bewakoof ne apne customers ko freedom di to customize their favorite t-shirts. So basically, Bewakoof ki success comes from their deep understanding of their audience, commitment to quality and affordability, innovative marketing strategies aur customer satisfaction ke saath. The Soul Store ki incredible success story ke peeche kya secrets hai?
सिर्फ 100 टी-शर्ट्स बेचने से लेकर 3 करोड़ मंथली रिकरिंग रेवेन्यू तक उन्होंने लंबा सफर तय किया है। सबसे पहले उन्होंने अपनी मार्केटिंग गेम नेल की। फ्रेंड्स और फैमिली से शुरू करके उन्होंने जल्दी अपना ऑनलाइन प्रेजेंस फेसबुक और इंस्टाग्राम गूगल एड्स के जरिए बढ़ाया। उन्होंने SEO को भी मास्टर किया ताकि वो हमेशा सर्च रिजल्ट्स पे टॉप पे रहे। लेकिन उनके लिए गेम चेंजर क्या बना? दैट वॉज कंटेंट मार्केटिंग। ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे जंप करके अपने ऑडियंस के साथ रेजोनेट करने वाली स्टोरीज बनाते हुए उन्होंने फॉलोअर्स को एंगेज रखा और उन्हें इवेंचुअली कस्टमर्स में कन्वर्ट किया। कोलैबोरेशंस वाज आल्सो की। AIB और केनी सेबेस्टियन जैसे बड़े नेम्स के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने ऑफिशियल मर्चेंडाइज टर्न आउट की और अपनी रीच और क्रेडिबिलिटी को एक्सपैंड किया। फिर दे क्रैक्ड द लाइसेंसिंग गेम, जिससे उन्होंने वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पे ऑफर करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिली। प्लस दे टैप्ड इनटू द इंडियन मार्केट। होम ग्रोन टैलेंट और फ्रेंचाइजिंग जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स पे फोकस करके उन्होंने बॉलीवुड और क्रिकेट फैंस के साथ गोल्डन स्ट्राइक किया। शॉर्ट में द सोल स्टोर की सक्सेस बॉयल्स डाउन टू स्मार्ट मार्केटिंग, किलर कोलैबोरेशन एंड स्टेइंग ट्रू टू देयर ऑडियंसेस टेस्ट। बेवकूफ और द सोल स्टोर की इंस्पायर्ड जर्नी ई कॉमर्स के इमेंस पोटेंशियल को शोकेस करती है। दोनों कंपनीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटाइज करते हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पे भी ऑफर करते हैं। अगर ये इनसाइट्स आपको वैल्यूएबल लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टॉग्रो। और हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि ऐसा कौन सा ब्रांड है जिससे आप सबसे ज्यादा रेजोनेट करते हो।